नमस्कार दोस्तों, विष्णु नागर जी की कविताएं सुना रही हूं और कविता का शीर्षक है आहटे। मैं क्यों अनजान बना बैठा हूं जैसे मुर्गा हूं, क्यों कुकड़ू कू करता घूम रहा हूं जैसे मैं बिल्कुल बेचैन नहीं हूं, क्यों अपनी कलनी पर कुछ ज्यादा इतराने लगा हूं, क्यों पिजड़े में बंद जब कसाई की दुकान पर ले जाया जा रहा हूं तो ऐसा बेपरवाह नजर आ रहा हूं जैसे कि सैर पर जा रहा हूं, क्यों मैं पंख फड़फड़ाने चीखने और चुपचाप मर जाने में इतना विश्वास करने लगा हूं, क्यों मैं मान कर चल रहा हूं कि मेरे जिबा होने पर कहीं कुछ होगा नहीं, क्यों मैं खाने में लजीज लगने की तैयारी में जुटा हूं, क्यों मैं बेतरह नस्ल का मुर्गा बनने की प्रतियोगिता में शामिल हूँ और क्यों मैं आपसे चाह रहा हूँ कि कृपया आप मुझे मनुष्य ही समझें। बड़ी बहुत ही ताकतवर कविता है। हम बहुत से लोग अपने को इस स्थिति में पहुँचा दिया गया हुआ पाते हैं। गजब की कविता है। और दूसरी कविता है घोड़ा गुनगुना रहा है, जहाँ तक मुझे याद है यही है उसका शीर्षक, घोड़ा गुनगुना रहा है। और इन सारे जीव जंतुओं के बिंबों से कवि ने यही दिखाने की कोशिश की है कि मनुष्य कितना लाचार बना दिया गया है, वैसे ही जैसे मनुष्य ने प्रकृति के बाकी सारे जीवों को कैद करके उसको, मतलब उसकी, मतलब वो है ना कविता की घोड़े की नाल की बात, घुड़साल, मतलब वो जो उसका जो वो है घुड़साल चलाने वाला, उससे नहीं घोड़े से पूछो और तमाम बातें, तो वही हाल आदमी का हो गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम एकदम पशु समझकर समाज के हाशिए पर धकेल रहे हैं और वो वापस नहीं आ पा रहे मेन स्ट्रीम में, और हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा नेट फिर से चला गया है। आशा है कि आहटे कविता आपको पसंद आए, दोस्तों मतलब मेरा पाठ पसंद आया, कविता तो लाजवाब है। शुक्रिया।